आज आपको दिखाएंगे आइशर प्रो 3015 XP, भारत का पहला 17.5 टन GVW ट्रक। हेलो दोस्तों, मैं हूं महेंद्र सिंह, आपका होस्ट। एक और ICV ट्रक सेगमेंट है 16.2 टन मैक्सिमम GVW के साथ, जिसमें आपको लगभग 10-10.5 टन का पेलोड मिल जाता है। और दूसरी ओर हैवी ड्यूटी ट्रक्स मार्केट है, जो कि 18.5 टन GVW से शुरू होता है, जिसमें आपको लगभग 12 टन का पेलोड मिल जाता है। और इन दोनों के बीच के वाइड गैप को फिल करता है 17.5 टन GVW वाला आइशर प्रो 3015 XP, जिसमें आपको 11.5 टन का क्लास लीडिंग पेलोड मिल जाता है इन दी ICV ट्रक सेगमेंट, एवं 7.7 फीट चौड़ी लोड बॉडी भी। सो दिस ट्रक इज एन आइडियल फिट फॉर कस्टमर्स जो हैवी ड्यूटी ट्रक मार्केट में ऑपरेट करते हैं, जिन्हें चौड़ी लोड बॉडी चाहिए होती है, और जो रेटेड लोड या अंडर लोड एप्लीकेशंस में गाड़ी चलाते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, हर एक फीचर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले शुरुआत कर लेते हैं इसके खूबसूरत केबिन एक्सटीरियर। तो 2.1 मीटर चौड़ा ये स्लीपर केबिन है। चौड़ा होने से अंदर स्पेस अच्छा मिल जाता है, स्पेशियस केबिन होने से ड्राइवर को ड्राइवर को आराम अच्छा मिलता है, ट्रक की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। बीचों बीच आपको पिगासस फैमिली लुक मिलेगा, अगर दूर से नज़र डालेंगे इस पर तो बाज की तरह आपको नज़र आएगा। यहाँ पे कंपनी का लोगो है, नीचे आइशर का ब्रांडिंग एलिमेंट, क्रोम एलिमेंट में पूरी पूरी फिनिशिंग दी गई है, बड़ी विंडशील्ड। तो चौड़ी तो ये है ही, साथ ही साथ इसकी हाइट भी बहुत है, तो इससे अच्छी विजिबिलिटी ड्राइवर को मिल जाती है। ड्यूअल पैनल ये केबिन है, इससे सेफ्टी बढ़ती है। इस ओर आपको आइशर प्रो 3015 की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ड्राइवर के सामने की ओर आपको यूटेक 6 की ब्रांडिंग मिल जाएगी। सो यूटेक 6 इज बेसिकली द BS6 ब्रांडिंग ऑफ आइशर। नीचे आप देखेंगे तो काफ़ी चौड़ा बम्पर आपको मिलेगा इंटीग्रेटेड हेडलाइट्स के साथ में, और ये क्लियर लेंस हेडलैम्प्स हैं। तो क्लियर लेंस हेडलैम्प्स की खासियत ये होती है, ये अंधेरे में रात में रोशनी बहुत देते हैं, इनकी ल्यूमिनोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और नीचे की ओर आपको फॉग लैंप प्रोविजंस भी मिल जाते हैं। इस ओर आपको टोटल 4 मिरर्स मिलेंगे, 2 रियर व्यू मिरर वाइड एंगल मिरर और 2 प्रॉक्सिमिटी मिरर। ड्राइवर साइड में आपको 2 शीशे मिलेंगे, रियर व्यू मिरर और वाइड एंगल मिरर। दरवाजों पे ही आपको इंडिकेटर्स भी मिल जाएंगे, बढ़िया व्हील आर्चेज इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हुए, 2 फुटस्टेप अंदर केबिन में जाने के लिए, कार जैसा डोर हैंडल, और यहाँ पे आप देखेंगे एम बूस्टर प्लस की ब्रांडिंग की हुई है। तो जो लग्जरी कार्स में आपको फीचर्स मिलते हैं मोटा मोटा, वो सारे फीचर्स आपको इस ट्रक में मिलेंगे, एंड इनफैक्ट कुछ कुछ उनसे ज़्यादा भी। सो एम बूस्टर प्लस इज बेसिकली द मल्टी ड्राइव मोड सोल्यूशन, जिससे कि गाड़ी की माइलेज बढ़ जाती है, डिपेंडिंग ऑन लोड आप उन मोड्स को एंगेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 7-speed की भी ब्रांडिंग मिल जाएगी। तो ये क्या है, बेसिकली इस सेगमेंट के ट्रक्स में, ICV ट्रक्स में मैक्सिमम आपको 6 गियर मिलते हैं, 6 फॉरवर्ड 1 रिवर्स। इस ट्रक के अंदर आपको 7 गियर मिलेंगे। 7वां गियर मतलब बेहतरीन टॉप स्पीड के ऊपर कम इंजन RPM और बेहतर माइलेज। अंदर भी केबिन के फीचर्स लाजवाब हैं, लेकिन अंदर हम नज़र बाद में डालेंगे, पहले इसके पीछे की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या गाड़ी के डिज़ाइन एंड डायमेंशंस हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन है। इस ट्रक की नींव के तौर पे, फाउंडेशन के तौर पे, इसमें डोमेक्स 650 चैसी दिया गया है। किसी भी चैसी या बीम की लोडिंग एबिलिटी, लोडिंग स्ट्रेंथ, जिसे इंजीनियरिंग के भाषा में बेंडिंग मोमेंट कहा जाता है, वो डिपेंड करता है चैसी की गहराई पे, चैसी की चौड़ाई पे और चैसी की थिकनेस पे। इस ट्रक में 230 mm गहरा चैसी है, 6 mm थिक है, जो इसे देता है बेहतरीन स्ट्रेंथ, बेहतरीन लोडिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए पीछे की ओर 21 सादा पट्टा कमानी दी गई हैं, 10 मेन लीव स्प्रिंग और उसके ऊपर 11 हेल्पर स्प्रिंग। 2 व्हील बेस ऑप्शंस हैं इस ट्रक में, जिससे आपको 20 फीट, 22 फीट और 24 फीट के बॉडी लेंथ ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप इसे केबिन चैसी एंड केबिन विद हाई साइड डेक बॉडी ऑप्शंस में खरीद सकते हैं। खास बात यह है कि बॉडी के अंदर की चौड़ाई आपको 7.7 फीट मिल जाती है, जो कि जनरली बड़े ट्रक्स में ही होता है। इस सेगमेंट में ये मुकाबला करता है महिंद्रा फ्यूरियो 17 एवं टाटा अल्ट्रा 1918 के साथ। 20 इंच वाले बड़े रेडियल टायर्स आपको मिल जाते हैं, ट्यूब टाइप टायर्स हैं ये। और इस एरिया में अगर ध्यान से देखेंगे तो 10 बोल्ट वाले व्हील रिम्स मिलेंगे, जो कि जनरली बड़े ट्रक्स में ही देखने को मिलते हैं। 241 mm का बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिलता है, और सेफ्टी के लिहाज से 10 बार वाले हैवी ड्यूटी एयर ब्रेक्स हैं विद ABS एंड ऑटो स्लैक एडजस्टर ऑन ऑल व्हील हब्स। इंजन रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए केबिन को टिल्ट करना बहुत ही आसान है, एक आदमी दोनों लीवर्स को खींच के ऊपर की तरफ केबिन को धकेल सकता है, और वापस केबिन को नीचे लाना उससे भी आसान है, सिर्फ आपको इस लीवर को बाहर खींचना है, केबिन अपने वेट से अपने आप नीचे की तरफ आके इन हिंजेस में फंस जाएगा।
इसमें E494 BS6 इंजन लगा है। ये 4 सिलेंडर CRS इंजन है, 3760 cc डिस्प्लेसमेंट वाला। ये 180 हॉर्स पावर की मैक्सिमम ताकत प्रोड्यूस करता है और 600 न्यूटन मीटर का ऑप्टिमम टॉर्क। ET60 S7 गियरबॉक्स है इसमें। ये बड़ा 7-स्पीड गियरबॉक्स बेहतर माइलेज देता है। तो 7-स्पीड गियरबॉक्स के फायदे क्या क्या होते हैं कंपेयर टू कन्वेंशनल 5-स्पीड एंड 6-स्पीड गियरबॉक्सेस? जब गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है तो ये इंजन RPM को कम करके आपकी माइलेज बढ़ा देता है। गियर शिफ्टिंग के लिए इसमें हाइब्रिड गियर शिफ्ट लीवर लगा हुआ है, जिससे कि गियर चेंजिंग बहुत ही स्मूथ हो जाती है। और क्लच एंगेज डिसएंगेज करने के लिए इसमें क्लच बूस्टर भी है डेड पैडल के साथ। तो पहली बात तो ड्राइवर का पैर कम थकेगा क्लच एंगेज डिसएंगेज करने में, साथ ही साथ डेड पैडल से थकान कम होती है, फटीग कम होती है, तो ओवरऑल ड्राइवर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। 362 mm का इसमें बड़ा क्लच लगा है, 395 mm के बड़े ड्राइव हेड के साथ में। ये ओवरऑल ड्राइव लाइन कॉम्बिनेशन इस ट्रक को 24% की ग्रेडिबिलिटी देता है, यानी कि चढ़ाई चढ़ने की क्षमता। हमारे पास जो वेरिएंट अवेलेबल है ये 20 फीट बॉडी वाला वेरिएंट है। इसमें आपको 190 लीटर का मेटालिक फ्यूल टैंक मिल जाएगा, डीजल टैंक मिल जाएगा। इससे जो बड़े दो वेरिएंट्स आते हैं 22 फीट और 24 फीट वाले, उसमें आपको 425 लीटर का पॉलीमर फ्यूल टैंक मिलता है। इसके बगल में आप देख सकते हैं 27 लीटर का एडब्ल्यू टैंक है। जैसे कि आप जानते हैं BS6 में ज़्यादातर गाड़ियों में आपको एडब्ल्यू डालना पड़ता है टू मीट द BS6 एमिशन नॉर्म्स। तो 27 लीटर का यहाँ पे एडब्ल्यू टैंक और दो बैटरीज हैं 12-12 वोल्ट की। नीचे की ओर मेन बम्पर के पीछे की तरफ एक बहुत ही सॉलिड अंडर प्रोटेक्शन बम्पर दिया हुआ है टो हुक के साथ। दोस्तों जितना खूबसूरत ये ट्रक बाहर से है उतने लाजवाब इसके इंटीरियर्स भी हैं। बढ़िया कॉकपिट टाइप डैशबोर्ड है ग्रैनुलर टेक्सचर के साथ में, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। बढ़िया कुशनिंग वाली सीट्स हैं, D+2 सीटिंग इसके अंदर, और पीछे जो स्लीपर बर्थ है वो भी काफ़ी चौड़ी है। मेरा मानना है ड्राइवर या को ड्राइवर कंफर्टेबली इसमें सो पाएगा। सामने की ओर अगर नज़र डालोगे तो बड़ी विंडशील्ड काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी देती हुई, और मैं अगर छेऊँ रियर व्यू मिरर प्रॉक्सिमिटी मिरर्स को भी जोड़ लूँ तो तीनों साइड की अच्छी विजिबिलिटी मेरा मानना है ड्राइवर को निरंतर मिलती रहती होगी। ऊपर की ओर अगर नज़र डालेंगे तो बढ़िया रूफ क्लैडिंग है, सामने ओवरहेड ट्रेज हैं, इसमें आप कुछ अपने पेपर्स वगैरह भी रख सकते हो। दोनों ओर सन वाइजर्स दिए गए हैं यहाँ पे रियर व्यू मिरर। और डैशबोर्ड पे अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिल जाता है, इसके अंदर काफ़ी गहरा ये ग्लव बॉक्स है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हो। 3-स्पीड ब्लोअर है। ब्लोअर से मुझे याद आया और मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस केबिन के अंदर बहुत बढ़िया आपको एयर सर्कुलेशन मिलेगा, गर्मी आपको महसूस नहीं होगी। बटरफ्लाई ग्लासेस इसके अंदर क्वार्टर वेंटिलेशन ग्लासेस लगाए गए हैं, जिससे कि हवा का सर्कुलेशन निरंतर बना रहता है। दोनों ओर ये लगाए गए हैं, साथ ही साथ जो पीछे स्लीपर बर्थ है वहाँ पे भी वेंटिलेशन के लिए आपको स्क्वायर शेप में ग्लासेस मिल जाएंगे जिनको आप खोल सकते हो। बहरहाल वापस डैशबोर्ड की तरफ आते हैं। स्टीयरिंग की लेफ्ट साइड में आपको 3 मल्टी ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे, एम बूस्टर प्लस टेक्नोलॉजी जिसे कंपनी कहती है, पावर, इको एवं इको प्लस के। जब गाड़ी में लोड पूरा पूरा है तो आप पावर मोड में गाड़ी चलाइए, जिससे आपको मिलेगी बेहतरीन परफॉर्मेंस। जब गाड़ी पार्शली लोडेड है तो आप इको मोड में गाड़ी चलाएं, और जब एम्प्टी कंडीशन है, गाड़ी खाली है, खाली रिटर्न ट्रिप्स पे वापस आ रही है, उस केस में इको प्लस मोड में गाड़ी चला के आपको माइलेज का पूरा पूरा फायदा मिलेगा। मेरे सामने 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, काफ़ी खूबसूरत मॉडर्न डिज़ाइन का है स्टीयरिंग व्हील। इसके बीचों बीच आइशर की ब्रांडिंग है, बढ़िया ग्रिप इस स्टीयरिंग की, पावर स्टीयरिंग है ये। और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, दिस इज अ टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग। ड्राइवर अपनी कदकाठी के हिसाब से इसे आगे पीछे एडजस्ट कर सकता है एवं ऊपर नीचे भी एडजस्ट कर सकता है, जिससे ड्राइवर अगर कंफर्टेबल रहेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, 4 डायल्स हैं इसके अंदर, स्पीड, RPM, फ्यूल लेवल एवं इंजन टेम्परेचर को दर्शाती हुई। इसके बीचों बीच एक बड़ी सी MID स्क्रीन है, बहुत सारी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको देती है। सीट्स जैसा कि हमने कहा काफ़ी अच्छी कुशनिंग है, D+2 सीटिंग है इसके अंदर, और ड्राइवर सीट 6-way एडजस्टेबल है। आप इसे आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, बैक सपोर्ट को मूवमेंट एडजस्ट कर सकते हैं एवं अंडर थाई सपोर्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। मल्टी ड्राइव मोड्स, फ्यूल कोचिंग एवं 7-स्पीड गियरबॉक्स जैसे फीचर्स के साथ आप इस ट्रक से लगभग 6.5 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज की उम्मीद कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन लोड, रोड कंडीशन एवं ड्राइवर हैबिट्स। भरोसे के तौर पे कंपनी ने इस पे 4 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी दी है। ड्राइव लाइन पे गाड़ी के ऊपर 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी दी गई है। आपको इसे 60,000 किलोमीटर्स में सर्विस करवाना होगा। सूटेबल एप्लीकेशन पे अगर नज़र डालें तो ये ट्रक आइडियल है LPG सिलेंडर्स के लिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पोल्ट्री एवं एग्स के लिए,
इंडस्ट्रियल गुड्स एवं मार्केट लोड के लिए। कितना एक्स्ट्रा आप इसमें लोड कर सकते हैं, आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। 360 LPG सिलेंडर्स इसमें आप लोड कर सकते हैं, जो कि जनरली आप 16 टन वाली गाड़ी में नहीं लोड कर पाते। 40 एक्स्ट्रा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की क्रेट्स आप इसमें लोड कर सकते हैं, 20 एक्स्ट्रा ग्रेन बैग्स लोड कर सकते हैं, 20 एक्स्ट्रा फिश क्रेट्स आप इसमें लोड कर सकते हैं एवं 12 KL का POL टैंकर आप इस पे बना सकते हैं। इस ट्रक की एक्सशोरूम कीमत आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है। आकर्षक ऑफर्स एवं लोन की जानकारी के लिए आप हमारी दी गई हेल्पलाइन नंबर पे बात भी कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल टू सम अप, वर्डिक्ट की अगर हम बात करें, सो दिस इज अ परफेक्ट फिट फॉर कस्टमर्स ट्रांसपोर्टर्स हु आर लुकिंग फॉर 11.5 टन पेलोड, लेकिन जो चाहते हैं कि माइलेज एवं खर्चा 10-10.5 टन पेलोड वाली गाड़ी का ही हो, उनके लिए प्रो 30-15 XP एक बहुत बेहतरीन विकल्प है अपग्रेड होने का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और नए कमर्शियल व्हीकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।